यार आप लोगों को हम बता नहीं सकते, आज इतना अच्छा लग रहा है ना, ये मौसम इसके लिए हम लोग तरस गए थे। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। कोशिश करेंगे ब्लॉग बनाने की, क्योंकि इधर 2-3 दिनों से ब्लॉग वगैरह हम लोग नहीं बना पा रहे थे। काम आ जाता है अचानक से, तो रेगुलरिटी जो है ना वो ब्रेक हो जाती है। प्लस आपको मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बताता हूँ कि हम लोग घर पर जिम्मेदार पर्सन है, मतलब घर की जिम्मेदारी, फिर कॉलेज की जिम्मेदारी, प्लस आपके एक यूट्यूब चैनल की जिम्मेदारी, तो इनके बीच में समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी आज हमने सोचा कि यार गैप ज़्यादा सही नहीं है, आप लोगों से जो जुड़ाव या लगाव हो रहा है उस बना रहे, और यहाँ पर संख्या भी कम है लोगों की, तो जवाब देना भी आसान होता है मेरे लिए, और आप लोगों से सुनना और आप लोगों की चीज़ों को बताना भी अच्छा लगता है। इसीलिए इस चैनल को मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि थोड़ा मुश्किल होगा, मुश्किल हमारे लिए सच में हो रहा है, फिर भी कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिव के साथ आज की वीडियो कंटिन्यू। ब्लॉग में अभी हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं और मौसम जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, काम करने का मूड नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है बाहर चलो। लेकिन इस समय आईटीआई में आपको पता होगा ये काम भी यार कुछ न कुछ निकल आता है, लोगों को तो लगता होगा कि मज़े ही मज़े हैं, लेकिन मज़ा नहीं होता, बहुत काम होते हैं, ओकेजनली होते हैं, रेगुलर बेसिस पर नहीं होता, बट कभी कभी अचानक से होता है। अब जैसे CBT एग्ज़ाम का है, अब उसमें जो पुराना फीस रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है, फिर नए बच्चों से उनका ईमेल आईडी डेटा इकट्ठा करना। हेलो सतीश सर फोन कर रहे हैं, प्रदीप कुमार बोल रहे हैं, हमारे लोगों ने यही से बोल रहा हूँ, ये जो ऑनलाइन पेमेंट किया था तो उसका प्रिंट आउट कॉलेज पे जमा नहीं किया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ना कि एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा कॉलेज ही गड़बड़ होता है, बहुत से कॉलेज वाले भी ठीक होते हैं, बहुत से कैंडिडेट भी ठीक होते हैं, बट देखिए अब हालत ऐसी है कि लोगों ने 2-2, 4-4 महीने पहले पेमेंट किया था, पेमेंट करके रिसिप्ट अपने पास रख लेते हैं, भाई हम लोगों को पहुँचाओगे आप कॉलेज पर दोगे तभी तो, अब लास्ट डेट आने वाली है, 1-2 दिन में सब मैटर ख़त्म होने वाला है, और ये अभी तक सो रहे हैं और उसके बाद कहेंगे सर आपने पहले नहीं बताया, सर समय नहीं है, फ़ोन नंबर तो बंद ही हो जाता है, मोबाइल नंबर इतना बदलते रहते हैं, उसके बाद परेशान रहेंगे सर हमारे ट्रेनिंग प्रोफाइल में नंबर गलत हो गया, वो नंबर गलत हो गया। आज जो ऐसे बच्चे होते हैं ना वो लापरवाही की चरम पर होते हैं, तो ऐसे लोग ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं भाई। तो खैर आप लोग उस कैटेगरी में मत जाना, अपना काम टाइम पर करिए, दूसरों की में कमियाँ निकालने से अच्छा है कि अपनी कमियों को दूर करिए और बस लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। टाइम सबसे बड़ा मैटर है ना, हर काम टाइम पर करना सीखिए, क्योंकि टाइम ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये लेक्चर वीडियो नहीं है, ब्लॉग वीडियो है, तो ब्लॉग जैसा होना चाहिए, हालांकि हम लोगों की हालत टाइट है, ब्लॉग क्या बनाएंगे, कई दिनों से इसी में परेशान है कि कौन एग्ज़ाम देगा, कौन फीस जमा किया है, कौन नहीं जमा किया, ये सब चीज़ें ट्रेस कर रहे हैं। और सतीश सर तो लगे हुए हैं पिछले 3-4 दिनों से बिना खाना खाए पिए लगे कि अरे यार कौन कहाँ है। अभी हम लोग बात करें कि अगर हम लोग जो ये चैनल है ब्लॉग वाला, तो ब्लॉग चैनल पर क्या है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग अपनी जो कैरेक्टर है ना टीचर वाला, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्लस जो हमें देखने वाले हैं वो भी स्टूडेंट की तरफ देख रहे हैं ना, तो जब तक हमारा ये वाला रिलेशन रहेगा तब तक मुश्किल हो जाएगा ऐसा कुछ कि जैसे ब्लॉगिंग कर पाना, क्योंकि ब्लॉग में जनरली फ्रेंडली होके लोग ब्लॉग शूट करते हैं, फैमिलियर वीडियोज़ होती हैं उनकी, ट्रैवलिंग की वीडियोज़ होती हैं, तो ऐसी चीज़ों पर जो व्यूअर होते हैं, व्यूअर भी वहाँ पर फॉलोअर होते हैं, किसी के मतलब उनको इंटरेस्ट होता है या चाहने वाले होते हैं, कुछ इस टाइप का सीन होता है ना, तो इसलिए वो चैनल्स या वो जो क्रिएटर्स होते हैं उनको थोड़ा आसानी होती है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम लोगों के जो रिलेशनशिप हैं आप एक दूसरे से टीचर स्टूडेंट वाला हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लोगों को भी बुरी लगती है, प्लस ये चैनल भी लोगों को बुरा लगता है, तो खैर ये सब चीज़ें हैं चलती रहती हैं, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ है कि यार हम लोग जब YouTube वगैरह पर आए थे तो कोई प्लानिंग तो थी नहीं, हमने पहले भी बताया 1-2 जर्नी में, लेकिन दिक्कत क्या आती है, दिक्कत की बात करें कि YouTube एक गांव से, एक्चुअल में अगर गांव में हैं आप और YouTube करने की कोशिश कर रहे हैं
तो नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, ब्लॉगिंग वगैरह या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं क्रिएटिव, तो शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन टीचिंग के लिए, अगर टीचिंग के लिए हम लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जैसे चैनल आपने बना लिया, ठीक है, आपके पास स्टूडेंट्स भी हो गए, या हम लोगों के पास ऐप भी है अपना, आपको पता ही होगा, तो ऐप है, चैनल है, उसके बावजूद हम लोग लाइव सेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे लाइव क्लासेज अगर पढ़ाओ, और कई बार पैटर्न सा चल जाता है, जैसे एक पैटर्न चलता है ना जो कैंडिडेट होता है, जैसे कई बार बाल सही कर लो, गुस्सा मत होना, हाँ वैसे सही हो नहीं रहा है ना, तो कैंडिडेट होता है, जैसे कई कभी कभी सीजन चलता है, जैसे एक बार चलता है पीडीएफ मार्केट में चलता है पीडीएफ, है ना, तो पीडीएफ के पीछे लोग भागते हैं कि पीडीएफ चाहिए। इसी तरह से कभी अभी पैटर्न चलता है इस समय जो चल रहा है करंट सिनेरियो में, कि लाइव क्लासेज। लाइव में भी वही चीज़ें होती हैं, बस होता क्या है कि टीचिंग के दौरान टीचर 2-4-10 बच्चों का नाम उठा लेता है और शायद उनके कुछ डाउट्स उठा लेता है, ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, जो नॉर्मल रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उनकी अपेक्षा आप कह सकते हो कि प्लस माइनस 5%, मतलब प्लस जो बेनिफिट होता है लाइव वाले में होता है, तो हम लोग लाइव नहीं दे पाते जस्ट बिकॉज कि भाई गाँव में है और हमारे यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, और मोबाइल से ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाते। मोबाइल के नेटवर्क की ये है कि जैसे अभी आप चला रहे हो तो हो सकता है 2 Mbps 3 Mbps चला जाए, और ऐसा भी हो जाता है कि 20 Kbps हो जाता है, उसी दौरान हो जाएगा आपका जो सेशन चल रहा है। तो ऐसे में पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं, कि जो स्ट्रीमिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो दिखाई नहीं देगा सामने वाले को, इंटरेस्ट ही डाउन हो जाएगा, वीडियो ब्रेक हो जाएगी। हमने कोशिशें की हैं, ऐसा नहीं है, बीच में एक दो बार हमने ट्राई किया था लेकिन लाइव नहीं हो पाता है, तो ये हमें कमी खलती है कि अगर हम सिटी में होते तो शायद एक ज़्यादा बेहतर कर पाते, लाइव क्लासेस वगैरह देते तो शायद एक जो मार्केट है ना अभी, जो एक माइंड सेटअप है और जो चल रहा है अभी पे पैटर्न, तो जो लाइव वाला है तो लाइव पर थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज और एक फेथ जो होता है स्टूडेंट का जमता है, तो वहाँ पर हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो ये होता है कि आपको सब कुछ नहीं मिलता है हर जगह, और लोग कहते हैं गांव के अपने फ़ायदे हैं, शहर के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन एक यूट्यूबर के लिए गांव में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। खैर, हर गांव में नहीं होगा, हो सकता बहुत जगहों में नेटवर्क हो, लेकिन हमें अगर एक यूट्यूबर की तरह देखा जाए तो गांव में रहते हुए दिक्कत सबसे बड़ी होती है, वो समस्या है इंटरनेट की। और दूसरी समस्या बात करें तो ये है कि जैसे अगर सिटी में हैं आप, तो आपको पार्ट टाइम टीचर्स मिल जाते हैं, जैसे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, कभी वो और भी जॉब करते हैं, दूसरे काम करते हैं, या कुछ स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, वो टीचिंग के लिए मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, थोड़ा सस्ते पड़ते हैं टीचर। और ये मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा लोगों को अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि जो यूट्यूब की अर्निंग होती है सिर्फ एड वाली, और एजुकेशनल चैनल पर ज़्यादा आप स्पॉन्सरशिप या ऐसी चीज़ें आप नहीं चलाते हैं, क्योंकि आपको अपना एक टीचर वाली इमेज मेंटेन करनी होती है, तो कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती, सिर्फ एडवर्टीजमेंट का पैसा मिलता है। तो एडवर्टीजमेंट के पैसे में परमानेंट टीचर रख पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो एक गांव के यूट्यूबर को, जहां जैसे लोगों को सफ़र करना पड़ता है, इसलिए हमारे पास लिमिटेड होता है। जैसे 1-2 ट्रेड को लेके चलते हैं और ज़्यादा ट्रेड की वीडियोज़ नहीं दे पाते हैं, या ज़्यादा कोर्स कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है उसी से काम चलाना पड़ता है, और अगर ज़्यादा संसाधन बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उतना खर्च यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो ये सब दिक्कतें हैं एक गाँव में रहते हुए, या कह सकते हैं गाँव बोलना थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, ऐसी जगह रहते हुए जहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था बढ़िया नहीं हो, तो YouTube में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन बेहतर 100% नहीं हो पाएंगे। कुछ लोगों से आपको पीछे रहेंगे, कुछ मामले में पीछे रहेंगे, जिस मामले में जैसे हम हैं, जैसे कि ज़्यादा फैकल्टी ना ले आ पाना, है ना, और दूसरा लाइव क्लासेज वगैरह ना दे पाना। तो ये एक ऐसी ही दिल की बात थी, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा वैसे दिखावटी कंटेंट तो नहीं होते हैं, तो मैंने सोचा ये एक बात है कि ये एक यूट्यूब चैनल अगर हम चला रहे हैं, हम या आप कोई भी और गांव से, तो शायद ये दिक्कतें आपको भी फेस करनी पड़ेगी, आप जानना चाहेंगे, इसलिए मैंने इस चीज़ को बता दिया। और ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद होगी सिंपल सी बात है, नहीं पसंद है तब भी यार चैनल पर है तो लाइक वाइक कर दो, और हम देखेंगे आगे कुछ क्रिएटिव और अच्छा कंटेंट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।